हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेलकम टू एन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिवो। कल का सेशन कैसा लगा था गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। चलो गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 60 ऑड क्वेश्चंस देख लिए, जो आपके नीट और एम्स एग्जाम में आ सकता है, या तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके नीट और एम्स एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक है। उसके पहले गाइज, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और लेक्चर शेड्यूल मिल जाता है। सेकेंडली, आपको बच्चों, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे सुबह 10 बजे और शाम के 7 बजे पढ़ाता हूँ। मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म पे यहाँ पढ़ाता हूँ जिसका नाम है अन अकेडमी प्लस। नाउ दिस इज़ अ प्लस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लस बेनिफिट्स और फीचर्स मिलते हैं। क्या फीचर्स मिलते हैं? पहला, आपको यहाँ पे 40+ एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है। तीसरा, यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है। चौथा, यहाँ पे आपको पर्सनलाइज लर्निंग का ऑप्शन मिल रहा है। एंड पांचवा, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म जहां पे स्टूडेंट के हिसाब से कोर्स को कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसे अगर सपोज आप माने पर्सनलाइज लर्निंग की हम बात करें, तो टॉपिक स्पेसिफिक लर्निंग कर सकते हो आप। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है या जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप उस टॉपिक को स्पेसिफिकली याद या उसको कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पे है। और लाइव क्लासेस, तो आपको जैसे लाइव क्लासेस यहाँ पे हो रही थी, वैसे ही लाइव क्लासेस यहाँ भी होती हैं। एंड इस तरह से आप अपना कोर्स मॉड्यूल डिटरमाइन कर सकते हैं और अपना सिलेबस बाय द एंड ऑफ जनवरी खत्म कर सकते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था, 6 मंथ स्ट्रैटेजी जो क्रैक नीट, वो 6 मंथ स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए। उसमें कब से रिविजन करना है वो फॉलो कीजिए, कब शेड्यूलिंग है वो फॉलो कीजिए, और आप नीट में बहुत अच्छा कर पाएंगे, राइट गाइस। ये मेरे 3 कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं, कंप्लीट कोर्स फॉर बायोलॉजी फॉर ड्रॉपर्स, एम हाई कोर्स, और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन प्लांट फिजियोलॉजी। ये कुछ एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सारे एडुकेटर्स हमारे यूट्यूब प्लेसिबो के जितने एडुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, प्लस और भी बहुत सारे एडुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको हर मंथ 100 टेस्ट मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 100 टेस्ट आप हर मंथ दे रहे हैं। 41 वीकली मॉक टेस्ट, तो 100 से ज़्यादा टेस्ट आप यहाँ पे दे रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको यहाँ पे 100+ कोर्सेज भी मिल रहे हैं। तो अगेन, इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल कोर्स फॉर यू, जहाँ पे आपको इंटेंसिव प्रैक्टिस और रिग्रस सेशंस मिल जाएंगे एडुकेटर्स के साथ। ये कुछ कोर्सेज चल रहे हैं हमारे। अब आते हैं, कैसे आना है प्लस पे आपको। तो प्लस पे आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, प्लस दिखेगा, प्लस पे आइए। प्लस के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको 12 मंथ का प्लान लेना है। कंटिन्यू कीजिएगा, अमाउंट आपको दिखाएगा 25,000 रुपीज़। यहाँ पर आपको 25,000 रुपीज़ पे नहीं करना, यहाँ पे आप प्रोमो कोड यूज़ करोगे आनंद एंड यू विल गेट अ 10% का डिस्काउंट। यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ करोगे आनंद एंड यू विल गेट अ 10% का डिस्काउंट। और यहाँ पे आपको मेरी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट की कॉपी मिल जाएगी, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट की कॉपी मिल जाएगी, राइट। कंटिन्यू करोगे, आपका जो टोटल अमाउंट आ जाएगा वो 22,500 रुपीज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ इफेक्टिव अमाउंट दैट यू हैव टू पे। अगेन, कमिंग टू 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, तो 24 मंथ सब्सक्रिप्शन जो है मेरा 40,000 का है। यहाँ भी प्रोमो कोड आनंद यूज़ करो, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस 10% के डिस्काउंट के साथ आपको क्या और मिल रहा है? आपको मिल रहा है यहाँ पे भी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट की कॉपी मेरी, और आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जो इफेक्टिव प्राइस होगा वो 36,000 रुपीज़ होगा। चलो, तो क्वेश्चन पे आते हैं। कौन कौन आ गया भाई? 33 लोग आ गए हैं, वेरी गुड। मनमीत, मैकेनिकल इंजीनियर, शारदा, माधव, एलिना, काजल, हर्षिता, तन्वी। चलो, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इवोल्यूशन फेवरेट टॉपिक है, चलो अच्छा है। तो इवोल्यूशन के हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, देखिए और आंसर बताइए। हेलो किरण, हेलो नाथा, शबनम, डॉक्टर अनवर, प्रेरणा, हर्षिता, अकीला, मुकुल। चलो, चलो चलो, आंसर बच्चों क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट सही वाला बताना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, हम लोग देखते हैं। चलो चलो, आंसर दो बच्चों।
सनी का आंसर आ भी गया, वेरी गुड सनी। आ सनी का आंसर आया है ए। चलो देखते हैं बाकी लोगों को भी आंसर दें, उसके बाद फिर हम देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हर्षिता का बी है, देवांशु का ए है। देखें भाई क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शोज दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोटाइप, न्यू फिनोटाइप ओवर फ्यू जनरेशन इट वुड रिजल्ट इन स्पीशिएशन। तो बहुत सारा म्यूटेशन से स्पीशिएशन होता है। चलो देख लेते हैं इस पॉइंट को, अभी पहले पकड़ के रख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? नियंडरथल फॉसिल्स रिप्रेजेंट्स अ ह्यूमन रिलेटिव, नियंडरथल ह्यूमन रिलेटिव फॉसिल है, ये भी ठीक है। इन 1938 अ फिश इन साउथ अफ्रीका हैपन टू बी कॉट, जिसको सियोलिंथ कहते हैं या लोफिन कहते हैं, विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। दीज एनिमल्स इवॉल्व इन टू द फर्स्ट एम्फीबियंस ऑफ दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। तो एम्फीबियन तो यही था, ये एम्फीबियन नहीं था जो लैंड और वाटर में रहता था। लोफिन्स वे नॉट एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर में रहते थे। तो ये पॉइंट अभी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, लाइकेंस कैन बी यूज एज वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, लाइकेंस वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स के लिए यूज होता है, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन इंडिकेटर या वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर के लिए यूज होता है। एल्फ्रेड वॉलेस अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मलय आर्चिपेलागो हैज ऑल्सो कम टू सिमिलर कंडीशन ऑफ नेचुरल कंडीशन लीज बाय डार्विनिज्म। तो एल्फ्रेड वॉलेस भी तुम्हारा ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, और ये भी। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल। बी इज द करेक्ट आंसर, बी होगा बच्चों। सिर्फ 1 और 2 सही नहीं है, 5 भी सही है मेरा, 4 भी सही है, 3 भी सही है, और मेरा 1 और 2 भी सही है, 1 और 2 भी सही है। तो आंसर मेरा क्या है? आंसर 1, 2, 3, 4 और 5 होगा यहाँ पे। ऑल आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ठीक है। लाइकेंस आर यूज एज पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो कोई भी पॉल्यूशन इंडिकेटर, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो लाइकेंस यूज होते हैं। मेरा वाटर पॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, तो ये इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर बी होगा, बिल्कुल बी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बी होगा आंसर, है ना, क्योंकि एयर पॉल्यूशन के लिए आपका लाइकेंस होता है, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर नहीं होता, सिर्फ पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। तो लाइकेंस मेरा जहाँ पॉल्यूटेंट ज़्यादा है या जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट, 4 इज रॉन्ग, ठीक है। 4 यहाँ पे नहीं होगा और 4 इज रॉन्ग, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वही कह रहा हूँ, लाइकन इज एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, वही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी, एयर पॉल्यूशन ही, एयर पॉल्यूशन ही। चलो अगला क्वेश्चन, लाइफ अफियर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। गुड मॉर्निंग, चलो अगला, डी डी ठीक है। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स अगो ऑन अर्थ, बिल्कुल सही। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म 500 मिलियन ईयर्स एगो आया था, ठीक है। अर्थ मेरा था 4.6, और 2.5 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे लाइफ आया था, 2.5 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे लाइफ आया था। लुईस पाश्चर बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये दिया था थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म वॉज गिवेन बाय लुईस पाश्चर, ठीक है। ओपेरिन एडवोकेटेड दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओपेरिन हेल्डन हाइपोथेसिस दिया था केमिकल बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, है ना, केमिकल बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस दिया था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन एग्जिस्टिंग लाइफ या केमिकल से लाइफ ओरिजिनेट किया था, है ना। तो ये मेरा आ गया ओपेरिन हेल्डन हाइपोथेसिस। तो आंसर आ गया डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट आंसर। आज तो तुम लोग सब एकदम ठीक है, आज तो तुम लोग एकदम पूरा फायर पे हो एकदम।
4.5, 4.6 पुराने वाले एनसीईआरटी में 4.6 दिया हुआ था, नए वाले में 4.5 मिलियन इसे को दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है वो आपका वो दिया था। देखो क्या क्या कहा था यहाँ पे, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म में क्या था, वो विस्मैन वाला नहीं कह रहे हैं, वो विस्मैन का था कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी, ठीक है। विस्मैन का जो थ्योरी था वो कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म था। ये तुम्हारा जो लुईस पैश्चर था, लुईस पैश्चर वो आपका जर्म थ्योरी दिया था, जर्म थ्योरी मतलब कि डिजीज कैसे आता है उस हिसाब से दिया था। हाँ हाँ लाइकेन इज एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, वही बोल रहा हूँ बाबू, लाइकेन इज एन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन चेक करता है लाइकेन, ठीक है। चलो अगला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड मार्क द राइट ऑप्शंस। रीड द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड मार्क द राइट ऑप्शन। रेडीज एक्सपेरिमेंट था, रेडीज एक्सपेरिमेंट देखो बता देते हैं, सुनो देखो, रेडीज एक्सपेरिमेंट क्या था, रेडीज क्या किया था, एक मीट लिया था, एक मीट लिया, मीट को यहाँ पे डाला, मीट को डाला, मीट को गर्म किया, अच्छा मीट को गर्म किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे सारे मैगट्स मर गए, इसको कवर करके रखा, उसके बाद एक को खुला छोड़ दिया गर्म करके, तो देखा कि जिसको कवर करके रखा था उसमें मैगट्स नहीं थे, जिसको कवर करके नहीं रखा था उसमें मैगट्स थे, तो वो रेडीज एक्सपेरिमेंट था। हाँ जी, उसमें डिफरेंस है, देखो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था विस्मैन, विस्मैन क्या किया था, चूहा का पूछ काटा था 22 जनरेशन तक, ठीक है, और उसके बाद देखा कि फिर भी वो मतलब चूहा का पूछ नहीं आया, मतलब बार बार भी काटा तो भी चूहा का पूछ नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ कि बिना पूछ वाला चूहा आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है वो विस्मैन दिया था। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में ये था कि आपका ये तुम्हारा जो है लाइफ जो है वो बायोटिक ऑर्गेनिज्म से निकल रहा है, तो वो आ गया थ्योरी ऑफ जर्म। ऑप्शन ए, चलो ए सबका ए आ रहा है, क्या है भाई, चलो देखते हैं क्या है भाई। रीड द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है, द थॉर्न्स इन बोगेनविला एंड टेंट्रेल्स इन कुकरबिट रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अगर 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 होमोलोगस ऑर्गेन है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, अगर एनालोगस ऑर्गेन है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट पे था उससे डिफरेंट हैबिटेट पे चला गया और जिसके कारण उसका जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेन सेम रह गया बट फंक्शन अलग हो गया तो ये होमोलोगस ऑर्गेन हो गया या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है, ठीक है। तो थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला और टेंडिल्स ऑफ कुकुरबिट दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसका काम आ गया प्रोटेक्शन के लिए और इसका काम आ जाएगा सपोर्ट के लिए, तो ये दोनों मेरा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। चलो ये स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। द सिमिलैरिटीज इन द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मंकी इज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी ठीक है। ये आई ऑफ मंकी और आई ऑफ ऑक्टोपस जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। द पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगी, गलत है ये, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगी। पोटैटो क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम है, स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट है, तो इसका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन अलग अलग है, तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगी नॉट होमोलोगी। तो आंसर ये 3 गलत है, 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर इज ए, गुड जॉब गाइस, ए इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3 करेक्ट है, आंसर 1। हाँ, विस्मैन में लमार्किज्म को रॉन्ग किया था, लमार्क क्या बोला था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट होता है, बट विस्मैन डिसअप्रूव्ड इट और बोला कि नहीं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट नहीं होता, तो वही वही कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म वाला थ्योरी विस्मैन दिया था। पढ़ा दूंगा मैं इवोल्यूशन आपको, पूरा एनसीईआरटी रिव्यू अच्छे से कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अगला टॉपिक में आपको इवोल्यूशन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से, जल्दी बताओ। निहारिका ए, अच्छा पुराना ही आंसर है, चलो चलो अगले क्वेश्चन का जल्दी बताओ आंसर।
जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सौरभ सी, सनोज सी, निखिल सी, क्या है भाई? इंक्रीज्ड इन मेलेनाइज मॉथ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्रेट ब्रिटेन इज अ प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का प्रूफ है ये स्टेटमेंट, सही है. इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. क्या हुआ था इसमें? इसमें हुआ था जो मेरा मॉथ था बिस्टन बिटुलेरिया, वो क्या हुआ कि लाइट कलर मॉथ जो है वो केमोफ्लेग नहीं कर पाया आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो डार्क कलर मॉथ या मेलेनाइज मॉथ का आबादी बढ़ गया क्योंकि वो बेटर केमोफ्लेग कर पाते थे, क्योंकि जो ट्री का बार्क था उसका कलर ब्लैकिश हो गया था ड्यू टू शूट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन. तो आंसर क्या हो जाएगा? ये मेरा सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहला सही है. व्हेन मोर इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एक्वायर अ मीन कैरेक्टर द वैल्यू इज कॉल्ड डिसरप्शन. नहीं, डिसरप्शन क्या होता है कि मीन कैरेक्टर नहीं, अगर ये डिसरप्टिव हो गया, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शनल हो गया, और अगर बीच में रह गया तो स्टेबल है. तो ये स्टेबल होना चाहिए था. अगर मीन कैरेक्टर ले रहा है तो इट शुड बी स्टेबल, इट शुड नॉट बी डिसरप्टिव या डायरेक्शनल. तो ये गलत हो गया. ठीक. चेंजेस इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी, चेंजेस इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल लीड टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम. एनी चेंज इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है. द सम ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, द सम ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट. तो ये इट वॉन्ट लीड टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम. अगर अलीलिक फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट नहीं है तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं होगा. ठीक है. जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस द एग्जिस्टिंग जीन और अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर जनरेशन. बिल्कुल सही. हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. अगर सडन चेंज इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी होता है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बोथ 1 and 4, सी इज द करेक्ट आंसर. अगर सडन चेंज इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी होता है तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है. तो आंसर हो गया सी, सी इज द करेक्ट आंसर. कोई दिक्कत है तो बताओ. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और स्टेबलाइजिंग इवोल्यूशन. ठीक है. कोई दिक्कत है तो बताइए. कोई बात नहीं शांतनु. चलो अगला देखो, कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके लिए हैं एकदम, मतलब पढ़ने में ही आपको बहुत टाइम लग जाए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी. हाँ जी, अच्छा है, इजी क्वेश्चन है तो बढ़िया है ना, द इजियर द बेटर. अगला क्वेश्चन देखो. हाँ, पढ़ा था मैंने शांतनु, थैंक यू सो मच. पढ़ा था मैंने, और मैं वो केमिस्ट्री के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है एक्चुअली केमिस्ट्री की क्लास में, वो हो जाएगा रिजॉल्व, टेंशन मतलब है ना. हम लोग अभी इस पर काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी रेगुलरली होने लगी, डोंट वरी. चलो बी आंसर आ रहा है. देखे क्या? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड हो गया मेरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो मेरा आ जाएगा ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. क्यों? बर्ड्स में फोलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इसका जो है स्किन या काइटिनियस स्किन जो होता है वो विंग में बन कन्वर्ट होता है. ठीक है. मिलर शोड CH4H2NNH3 एंड डैश, क्या आ गया भाई? लाइटनिंग डिस्चार्ज आ जाएगा मेरा, है ना. ऑक्सीजन तो ट्रेस में था व्हेन एक्सपोज टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, यहां ए दो दो बार आ गया है. चलो कोई नहीं, देखते हैं. ठीक है. हाँ, ए यहां पे दो दो बार आ गया, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए. चलो कोई नहीं, देख लेते हैं. ठीक है.
अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू दैट सर्वाइवल एंड द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो मेरा आ जाएगा ए आ जाएगा नेचुरल सेलेक्शन. और यहां पे बी आ जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है. अच्छा फिर इसमें अब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गेन है ना. एंड इट इज एन एविडेंस ऑफ कौन सा एवोल्यूशन है. इट इज एन एविडेंस ऑफ लमार्किज्म. लमार्किज्म का दिखा रहा है कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन किए थे. तो अगर जिस ऑर्गेन का हम यूज कर रहे हैं वो रह रहा है, जिस ऑर्गेन का हम यूज नहीं कर रहे हैं वो खराब होता जा रहा है. तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेरा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. तो ये आ गया मेरा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स लपांग का. ठीक. मिलर शोज विंग्स ऑफ बटरफ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ तुम्हारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है. तो ए का फोर का ए है स्मॉल वेरिएशन अकॉर्डिंग टू टुक्स प्लेस ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और बी का वन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है. तो ये तो पहला तो गलत है मेरा. स्मॉल वेरिएशन नहीं होगा, स्मॉल वेरिएशन नहीं होता उसमें. ठीक है. तो ग्रेजुअल है ये गलत हो गया. ठीक है. बी मेरा आ गया टू का ए. टू का ए एंड वाटर वेपर व्हेन एक्सपोज टू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड हमको मिला था, ये मेरा सही हो गया. अमाइनो एसिड और ये वाटर वेपर है. ठीक है. तो आंसर मेरा ये सही है, ये सही है. ठीक है. रूडिमेंट्री आर रूडिमेंट्री ऑर्गेन. वेस्टिजियल है या रूडिमेंट्री ऑर्गेन है. एंड दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ एनाटॉमिकल. बिल्कुल बिल्कुल एनाटॉमिकल. सी इज द करेक्ट आंसर है ना. सी इज द करेक्ट आंसर. स्मॉल वेरिएशन नहीं होगा बाबू, लार्ज वेरिएशन होगा यहाँ पे ना. यहाँ स्मॉल वेरिएशन नहीं होगा, लार्ज वेरिएशन होगा. तो इसलिए ये तो गलत हो गया ऑप्शन. यहाँ कन्वर्जेंट ऑक्सीजन न्यूक्लियोसाइड प्रोड्यूस नहीं होता था, तो ये भी गलत हो गया. ऑक्सीजन भी ट्रेसेस में था, तो ये भी गलत हो गया. ठीक है. वेस्टिजियल थ्री का ए मेरा वेस्टिजियल है. बी मेरा एनाटॉमिकल है. फोर का ए म्यूटेशन है. फोर का ए जो है मेरा म्यूटेशन नहीं होता और बी मल्टीप्लीकेशन नहीं होता. तो ये डी भी गलत है. आंसर मेरा इसका आ जाएगा सी. बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा था. आंसर सी है. ठीक है. हाँ सी इज द करेक्ट. क्या क्या देखो. पहला विंग्स ऑफ बटरफ्लाई लुक लाइक. तो ये तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे क्या हुआ, वाटर वेपर डाले, उसके बाद इट एक्सपोज टू सनलाइट. एक्सपोज टू सनलाइट के फॉर्म में क्या हुआ कि डिस्चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे रिजल्ट आ गया, तो ये अमाइनो एसिड बन गया. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या हो गया. वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मेरा वेस्टिजियल ऑर्गेन है. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लमार्किज्म का एग्जाम्पल है या एनाटॉमिकल डिफरेंसेस. स्ट्रक्चर चेंज हो गया. ठीक है. तो एनाटॉमिकल में आ गया ये. तो ये वाला मेरा वेस्टिजियल, या वेस्टिजियल को हम रूडिमेंट्री भी बोल सकते हैं. तो आंसर मेरा सी हो जाएगा. सी इज द करेक्ट आंसर. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई वाटर वेपर कहाँ हो गया. टू का ए है. टू का ए यहाँ पे बाबू, ये वाटर वेपर है ना, ये वाला वाटर वेपर है. टू का ए है. यहाँ देखो क्वेश्चन देखो, टू का ए है बच्चों. ये क्वेश्चन देखो, टू का ए और बी बता रहा है, थ्री का ए और बी बता रहा है. मतलब ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ए और बी. तो ए क्या होगा इसमें, वाटर वेपर, और बी हो गया मेरा अमाइनो एसिड बन जाता है. कुछ अमाइनो एसिड मेरे पास बनता था. नहीं नहीं प्लस की का क्लास आज 130 पे नहीं, 1130 पे शांत. चलो अगला क्वेश्चन. ठीक है. वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बस. अगला क्वेश्चन. वेस्टिजियल और रूडिमेंट्री एक ही बात है. रूडिमेंट्री भी मतलब क्या हो गया, वेस्टिजियल है ना, जो किसी काम का नहीं है, दैट इज रूडिमेंट्री. राइट. तो वेस्टिजियल हुआ. चले आंसर दूसरा, बहुत इजी है. ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है यार. ये देखो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया. अच्छा यहाँ पे ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फिलोजेनी. यहाँ पे ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फिलोजेनी इधर आ जाएगा. शांतनु सी. शांतनु का आंसर सी आ रहा है. क्या है भाई क्वेश्चन मेरा पहला,
मिलर और ओपेरिन हेल्डेन मेरा दिया था केमिकल इवोल्यूशन, स्टेनली मिलर और यूरेस ट्यूमुलेशन एक्सपेरिमेंट कर दिया, ह्यूमन इम्ब्रियोज हैव गिल्स, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फिलोजेनी, मतलब कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो अपने एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में रिपीट करता है, मतलब जो बच्चा पैदा होगा इनिशियली वो सर्वाइकल गिल्सलेट्स के साथ पैदा होगा, तो दैट इज ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फिलोजेनी। ठीक है, एनालोगस ऑर्गेन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, तो क्या हो गया, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, सी इज द करेक्ट आंसर। किसका क्या सी आया भाई, सबका सी आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका सी आया है, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फिलोजेनी, ये फिलोजेनी को इधर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट साइंटिस्ट ही खेल रहे हैं आज, तो बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है। ये है जर्म प्लाज्म थ्योरी, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, बताओ जल्दी, स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था वही केमिकल बेसिस ऑफ इवोल्यूशन जो थ्योरी ओपेरिन हेल्डेन बताया था, उसको स्टेनली मिलर और यूरे अपना लाइटनिंग डिस्चार्ज ट्यूब में प्रूव किया था। क्या हुआ था, तुम्हारा ये कुछ कंपोनेंट लिया था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और उसके हिसाब से कंपोनेंट बनाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्या बात कर रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ह्यूगो डिवराइस म्यूटेशन, हैकेल बायोजेनेटिक लॉ, वेस्टमैन कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और लमार्क फिलोसफी जूलॉजी के। ठीक है, माल्थस किया था पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन पे जो किया था दैट वाज थॉमस माल्थस। ठीक है, तो क्या है भाई, डार्विन, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 5 और ई का 2, 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, ए इज द करेक्ट आंसर। वाह, सबका ए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एसे ऑन पॉपुलेशन थॉमस माल्थस ने लिखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, अगला, ये भी इजी है, ये भी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से बता दो। हाँ जी, ए इज द आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तुम लोग नारे को, जल्दी वीडियो को लाइक करो, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, 40 लोग देख रहे हो और बताओ लाइक कितना कम है। चलो अगला अगला क्वेश्चन फटाक से जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का है जल्दी, फटाक फटाक, श्रेयांश सी, देव सी, प्रेरणा सी, प्रेरणा सी, ठीक है ठीक है ठीक है, सी सी सी, काजल, बिल्कुल सबका सी आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डेवोनियन क्या हो गया मेरा, एज ऑफ फिश, फिश के बाद अगर जब जिसका एज था उसके बाद क्या होता था कि नया वो स्पीशीज आता था, तो मेरा आ गया डेवोनियन में फर्स्ट एम्फीबियंस। ठीक है, मीजोजोई कह रहा मेरा 160 मिलियन ईयर्स एगो था, ये भी ठीक है। पेलिनोजोई कह रहा मेरा क्या हुआ, रेप्टाइल का पॉलीफ्रेशन हो गया मेरा पेलिनोजोइक एरा में। ठीक है, और परमियन में मेरा क्या हुआ, परमियन में मेरा तुम्हारा रेडिएशन ऑफ मॉडर्न मैमल्स या प्राइमरी मैमल्स आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो आ गया सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट
आंसर बिल्कुल सही, रेजिंग ऑफ मॉडर्न मैमल, तो आपका आंसर सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका टेबल आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक पे वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। हाँ डेवोनियन फिश है बाबू, बट डेवोनियन जब जब किसी एक चीज समझाओ, कभी भी इसका याद जब करना, जैसे अगर मान लो कि जुरासिक पीरियड है, तो जुरासिक किसका है, रेप्टाइल्स का, तो रेप्टाइल्स का जब पीरियड मैक्सिमम पे था, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मैमल्स आ गया, तो उस तरह से आपको याद करके रखना है। तो जब डेवोनियन एज ऑफ फिश था, तो वहां पे एम्फीवियन, कुछ कुछ एम्फीवियंस आ गए थे, ठीक है, उसके बाद फिर हम उस तरह से करते हैं, तो उस तरह से आपको याद रखोगे तब याद रहेगा, ठीक है। जब किसी के एक एक्सट्रीम पे जा रहा है, किसी का एज चल रहा है, तो जो उसके बाद वाला जो है उसका इंट्रोडक्शन होगा कुछ हद तक, तो उस तरह से याद रखना। हाँ बनाते हैं बाबू, वो इवोल्यूशन के टेबल पे मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे हम एक वीडियो बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू गाइस। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी फटाक से, अगला क्वेश्चन। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, मैच कॉलम वन एंड टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मैच कॉलम वन एंड टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी फटाक से। पीएच ऑफ डीएनए, डीएनए का क्या नेगेटिवली चार्ज है ना बाबू, तो पीएच उधर ही हो गया आपका। शांतनु ए, देवांशु ए, समरी ने, अच्छा क्वेश्चन का क्वालिटी होता है बेटा, बढ़िया है। हाँ चले, वेद प्रताप ए, निखिल ए, हर्षिता डी, देखे भाई क्या है भाई, सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम सॉल्टेशन कहते हैं ना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, हम इसको सॉल्टेशन कहते हैं। ये दिया था मेरा वराइज, चाचा ने दिया था, तो यूगो डी वराइज मेरा आ गया, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड, रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो अपना डार्विन हो गया बाय डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय फिटेस्ट इवेंट रिप्रोडक्टिव फिटनेस, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ पैस्चर, और फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड फॉर व्हाट, तो ये मेरा आ जाएगा ओपेरिन हेल्डन हाइपोथेसिस। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 और 2, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही गाइस, वेरी गुड। बी नहीं होगा बाबू, ए इज द करेक्ट आंसर, साफ है ना। देखो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ह्यूगो डी वराइज बोला था, लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ये मेरा लुईस पाश्चर बोला था, तो यहाँ से ऑप्शन डी करो और 3 करो, तो यही आ गया ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन में तुम्हारा एलिमिनेशन आ जाएगा, तुम्हारा पहला ही ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपका एलिमिनेशन आ जाएगा, आंसर इज ए। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और साइंटिस्ट के नाम है, जल्दी जल्दी। इलेवन थर्टी पे प्लस है बाबू, रात में फ्री क्लास है आपकी शांतनु, स्पेशल क्लास आपकी रात में है ना। अगला क्वेश्चन जल्दी, क्या आंसर, डी, सबका आंसर डी आ रहा है। चलो क्या है भाई, वॉलेस, वॉलेस मेरा माल्थस पॉपुलेशन बताया था मैंने आपको, अभी तुरंत ही बताया था, माल्थस पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। वॉलेस भी नेचुरल सिलेक्शन किया था इसके साथ, को प्रपोजर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अलोंग विथ चार्ल्स डार्विन, ठीक है। सम ऑफ द एलीलिक फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होता है, ये मेरा हार्डी विनबर्ग लॉ हो गया, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम हो गया, और इंडस्ट्रियल मेलिनिज्म हो गया मेरा, बिस्टन B2 लेरिया, बिस्टन B2 लेरिया, तो क्या हो गया, A का 4, B का 1, C का 3 और D का 2, 4, 1, 3, 2, D इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, D इज द करेक्ट आंसर, गुड जॉब गाइस, सबका D है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, D इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन,
अच्छा इस बार कुछ गड़बड़ हुआ था, नियांडरथल वाला जो क्वेश्चन आया था ना वो टेक्निकली एनसीईआरटी में उल्टा दिया हुआ, इसलिए कैसे पता नहीं कैसे मैनेज किया वो नियांडरथल वाला क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड सा था। चलो अगला, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियांडरथल और रैमाफथीकस, तो क्या हायरार्की था? ड्रायोफथीकस, रैमाफथीकस, ऑस्ट्रेलियोफथीकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में आ गया मेरा नियांडरथल, क्रोमैग्निन और मॉडर्न मैन, है ना। ड्रायोफथीकस, रैमाफथीकस, ऑस्ट्रेलियोफथीकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और आपका इधर आ गया नियांडरथल, क्रोमैग्निन और मॉडर्न मैन। तो ये आपका हायरार्की होता है इसको याद करने का। बी और डी में आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, सनी डी, अमन बी, देव डी, सनी बी, सनी बी, चलो शांतनु बी, सबका ऑप्शन बी आ रहा है। क्या है भाई? होमो हैबिलिस ब्रेन कैपेसिटी वेयर बिटवीन 650 to 800 cc, 900 cc था होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी, तो ये गलत हो गया। क्या ये, सॉरी 800 है ना, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस नहीं। होमो इरेक्टस का 900 होता था, 600 to 900 cc का होता, तो ठीक है ये ठीक। होमो इरेक्टस फॉसिल्स वे डिस्कवर्ड इन जावा, जावा में, जावा मैन का आया था, जावा और पीकिंग मैन का आया था और इट वॉज नॉट 1.5 मिलियन से जो, तो ये मेरा गलत हो गया ठीक। नियांडरथल, नियांडरथल मैन दे यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देन बड़ी देयर डर्ट, ठीक है। रैमाफथीकस अरोज फ्रॉम अफ्रीका एंड मूव टू द कॉन्टिनेंट एंड डेवलप्ड इन टू डिस्टिंक्ट रेसेस, तो ये भी ठीक है। तो आंसर मेरा आ जाएगा बी इज द इनकरेक्ट वन, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो नहीं आया था, तो यहाँ पे ये जो है ये 1.5 मिलियन ईयर्स एगो नहीं था, इतना पहले कहाँ से लाइफ आ जाएगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पे 650 to 900 होगा, 800 cc नहीं, सीसी नहीं था, अप्रॉक्सीमेटली 900 cc है आपका होमो हैबिलिस का, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ए नहीं है बाबू ना, यहाँ देखो ना, यहाँ 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, क्या बात कर रहे हो, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो कैसे आ सकता है, उसको भी ध्यान दीजिए ना, ये वाला पॉइंट गलत है ना, तो इस कारण से बी होगा। अगला, हाँ बी होगा, बी होगा, बी होगा। क्या है? द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स मिलर्स एक्सपेरिमेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन लेवलिंग ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई, दिख नहीं रहा, अरे थोड़ा जूम इन करो, थोड़ा लाइट वाइट बढ़ा लो, दिख जाएगा, क्या कर सकते हैं हम। देवांशु ए, यार इसको अब कैसे जूम इन करें, अब तो डार्क तो इतना ही कर सकते हैं, थोड़ा मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरणा ए, देव ए, हर्षिता ए, श्रेयांश ए, क्या है भाई? ये मेरा आ गया लाइटनिंग डिस्चार्ज, ये मेरा आ गया लाइटनिंग डिस्चार्ज किए, या हम इसको किए इलेक्ट्रोड से, राइट, इलेक्ट्रोड से हम लाइटनिंग डिस्चार्ज किए यहां पे ठीक। वाटर इन वाटर आउट, यहाँ मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया, यहाँ बॉइलिंग वाटर हो गया और यहाँ पे डी मेरा गैस का इनलोड हो गया ठीक है। तो यहाँ पे हम मिक्सचर ऑफ गैसेस मेरा क्या क्या था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर था और मीथेन था, अमोनियम नहीं है यहाँ पे, इसको काटो ठीक है। अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, अमोनिया, वाटर, सी इन लिक्विड टैप, ये भी नहीं है, लिक्विड वाटर इन टैप, अमोनिया और सिर्फ वाटर नहीं था, तो ये भी गया ऑप्शन फिर ठीक है। अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर और इलेक्ट्रोड्स, ए सी लिक्विड इन टैप, सी कहाँ गया, सी कहाँ गया, सी में रखा है, अच्छा यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है तो यहाँ पे वाटर आ गया, बिल्कुल यहाँ पे वाटर है। और डी मेरा क्या है, डी मेरा टैप है जहाँ से इसको हम निकाल रहे हैं, तो डी मेरा वैक्यूम टैप है मेरा जहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड्स, अमोनिया, लिक्विड वाटर इन टैप और डी मेरा वैक्यूम हो गया ठीक है। इलेक्ट्रोड्स, अमोनियम,
सारा दोनों ऑप्शन तो सेम ही हो गया, वाटर और मीथेन, लिक्विड अमोनिया और डी वैक्यूम टाइप, ए और डी तो सेम ही है ऑप्शन। बिल्कुल सही, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा आप लोगों को। चलो अगला, द गिवन डायग्राम ऑफ मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ, बहुत इजी है, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या चीज का एग्जांपल होगा? डी का सेम ही है, डी और ए सेम ही था ऑप्शन, लगभग ऑप्शन दोनों का सेम ही था, डी और ए, तो इसलिए ए कर दिया। चलो अगला अगला का, हाँ हाँ ठीक है, बोनस मार्क्स मिल गया आप लोग को। अगला क्वेश्चन जल्दी चलिए फटाक से, फटाक से जल्दी आंसर। शांतनु ए, देवांशु बी, देव ए, समरीन डी, श्रेया डी, एलिना डी और देव बी। क्या है भाई? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, ये शो कर रहा है मेरा एडाप्टिव रेडिएशन। क्या शो कर रहा है? ये मेरा शो कर रहा है एडाप्टिव रेडिएशन, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सुनो, अगर सुन लो, अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अगर दो एडाप्टिव रेडिएशन एक जगह पे हो रहा है तो वो दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होंगे, ठीक है, याद रखना। तो अगर सिंगल एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, अगर दो एडाप्टिव रेडिएशन एक बायोजियोग्राफिकल एरिया में हो रहा है तो ये दोनों मेरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, इस तरह से याद रखना, ठीक है। और जैसे अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और नॉर्मल प्लेसेंटल मैमल्स, उन दोनों के बीच में जो इवोल्यूशन हो रहा है दैट इज पैरेलल इवोल्यूशन, तो इस दोनों तीनों चीज को आपको डिफरेंस याद रखना है। अगर मोर देन टू एडाप्टिव रेडिएशन टेक्स प्लेस इन अ बायोजियोग्राफिकल एरिया देन इट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वो दोनों आपस में कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। गॉट इट? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा डी, डी इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आया समझ में? अगर फिर से बता रहे हैं, अगर एक बायोजियोग्राफिकल एरिया से अलग अलग स्पीशीज कहीं जा रहा है ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। इफ मोर देन टू एडाप्टिव रेडिएशन एक बायोजियोग्राफिकल एरिया में हो रहा है तो उसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, और दो बायोजियोग्राफिकल एरिया में अपना अपना इवोल्यूशन हो रहा है तो उसको हम पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जांपल आ जाएगा मेरा प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आंसर आचल? अच्छा, फिक्स पीएच ऑफ डीएनए, डीएनए एसिडिक होगा यार, लगभग 6.2 या 6.4 के आसपास होगा, और वेरी करता है वो हर तरह के डीएनए में, बैलेंस डीएनए का अलग होगा, अल्टरनेट अलग होगा, जिगजैग अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डीएनए है, वो लगभग 6 के आसपास पीएच रहेगा उसका। किस पे एक वीडियो बनाना है आपको? एडाप्टिव रेडिएशन, 5 मिनट का वीडियो कितना बनेगा? इवोल्यूशन मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, टेंशन मत लीजिए। अगला टॉपिक मैं आपको इवोल्यूशन ही पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी से, खुश रहो। शांतनु ए, देवांशु बी, क्या है भाई ये वाला जो मेरा है? अब ये वाला जो मेरा है ये क्या है? पी गेट्स हायर एंड नैरोअर, तो ये मेरा स्टेबल है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ये मेरा डायरेक्शनल है, और ये मेरा डिसरप्टिव है। तो क्या हुआ? पहला स्टेबल, दूसरा डायरेक्शनल और तीसरा डिसरप्टिव। बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे तुम लोग ये बोल रहे हो भाई? बी इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं है बाबू। पहला स्टेबल है ना, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, तो अगर बीच में पीक है तो स्टेबल है, किसी एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट कर रहा है या किसी एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट कर रहा है तो डायरेक्शनल है, और अगर दोनों ये तुम्हारा डोमिनेंट अलील या रिसेसिव अलील की तरफ पीक शिफ्ट कर रहा है तो वो डिसरप्टिव है। हाँ जी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, द गिवन फिगर शोज, अभी तो ये बनाए थे भाई, क्या है बता दो फटाक से। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट्स, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट, जल्दी
चलो गुड काजल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई नहीं। चलो चलो अगला जल्दी फटाक से। चिन्मया डी, समरीन डी, ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्या है? थॉर्न्स ऑफ, दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है, दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है, तो इट इज होमोलोगस ऑर्गेन एंड इट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गेन शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड सी इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। होमोलोगस ऑर्गेन शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। हाँ जी, डी इज द करेक्ट आंसर। ए नहीं होगा बाबू, तीनों है ना, होमोलोगस ऑर्गेन है ये तो इतना पता है, हर होमोलोगस ऑर्गेन मेरा जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑरिजिन सेम था बट बाद में जाके फंक्शन अलग हो गया इनका। एक का काम हो गया कांटा लगा कर रहा है और दूसरे का काम हो गया सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अगला डी होगा बाबू, बी तो नहीं होगा, बी तो इस जन्म में नहीं होगा। ठीक है, अगला, ह्यूगो डी व्राइस गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन, किस पे काम किया था ह्यूगो डी व्राइस, याद करो जल्दी फटाक से। ह्यूगो डी व्राइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यज्ञ इवनिंग क्लास आपको 7 बजे, शाम में 7 बजे इवनिंग क्लास है, यूट्यूब पे ही है, और रात में आपको स्पेशल क्लास है, मैं भी स्पेशल क्लास का आपको बता दूंगा, स्पेशल क्लास कहाँ से आपको पता चलेगा। चलो जल्दी फटाक से, सी हर्षिता सी, शांतनु ए, चिन्मया, चलो ज़्यादातर लोग सी कह रहे हैं। ओके सुकेश, पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे, मिल जाएगा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आंसर है म्यूटेशन पे काम जो किया था, इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था, जिसको ओनी थ्योरा लमार्कियाना कहते हैं, इसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज, ओनी थेरा लमार्कियाना, इसको हम इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं, और इस पे काम किया था हार्डी, ये तुम्हारा ह्यूगो डी व्राइस। अगला, अगला, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, अलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस, मतलब अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल सम ऑफ द अलीलिक फ्रीक्वेंसी रहेगा, इट मेक्स सेवरल असम्पशंस, क्या क्या सेवरल असम्पशंस होता है वो बताना है हम लोग को। ठीक है, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या असम्पशंस चाहिए ये बताना है हम लोग को। चलो जल्दी जल्दी, गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं डी। चलो देखें क्या है भाई, रैंडम मीटिंग होना चाहिए, ठीक है रैंडम मीटिंग होना चाहिए, ठीक, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, एसेक्सुअल तो होगा नहीं, ये भी ठीक है। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग जनरेशन, अकरेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नो नेचुरल सिलेक्शन, लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा ये वहां पे, लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग जीन, नॉन ओवरलैपिंग जीन, तो आंसर मेरा आ गया 1 और 2 एंड 3, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है, कंडीशन फॉर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, रैंडम मीटिंग, ठीक है, नो जीन म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो नेचुरल सेलेक्शन, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, और यहाँ पे तुम्हारा ये लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, इट शुड अकर इन अ लार्ज पॉपुलेशन, तो मेरा यहाँ पे ये स्मॉल पॉपुलेशन दिया है, स्मॉल पॉपुलेशन काट दो। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन काट दो, ये बाकी 3 ऑप्शन सही है, रैंडम मेटिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना,
नॉन ओवरलैपिंग जीन. तो डी इज द करेक्ट आंसर. गुड जॉब गाइस, डी इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही, वेरी गुड देवांशु. चलो आज दिन अच्छा था आपका. चलो गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. कल हम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कल हम एम्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे इवोल्यूशन का, ठीक है. बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त क्वेश्चन आपके लिए इवोल्यूशन के लाएंगे और हम टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेंगे. इवोल्यूशन में अगर कुछ टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो कल हम उस टॉपिक पे स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे. तो आपको क्या करना है, उसको कमेंट में लिखना है. कमेंट मतलब क्लास के बाद जब चैट खत्म हो जाए तो कमेंट में पॉइंट वाइज करके जो इवोल्यूशन के टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे आप लिखिए, कल मैं उनको एड्रेस करूंगा. कल मैं उन टॉपिक्स पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है. तो इसी तरह से हम काम करेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो. और गाइस, आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मैं रोज दे रहा हूँ प्लस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है. प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको रोज स्पेशल क्लास मिल रहा है, दो स्पेशल क्लास एवरी डे. तो आज भी क्लास है मेरी माइटोसिस पे. अगर आपको क्लास करना है तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो करें, unacademy.com/user/anandsir01 पे आप मुझे फॉलो करें और यहाँ पे आपको स्पेशल क्लास की लिंक मिल जाएगी मेरी, ठीक है. तो यहाँ पे आज माइटोसिस पे रात में 10 बजे स्पेशल क्लास है मेरी, तो ज़रूर से ज़रूर आप आएँ उसमें, ठीक है. तो ये स्पेशल क्लास की लिंक आप ज़रूर फॉलो कर लें, रोज़ आपको दो स्पेशल क्लासेस मिलती हैं. सेकेंडली, आपको कमेंट करना है कि आज आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और कोई डाउट है तो वो डाउट आप लिखिए ताकि मैं अगले क्लास में उसको एड्रेस कर पाऊँ. कमेंट सेक्शन में, चैट में मत लिखना क्योंकि चैट खत्म हो जाता है, कमेंट रह जाता है. तो कमेंट जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है. सेकेंडली, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप नोटिफिकेशन ना मिस कर पाएँ, ठीक है गाइस. तो ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है. बाकी सी यू इन द इवनिंग एट 7 PM, 7 बजे शाम में हम लोग मिलते हैं. हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बाकी जो टॉपिक्स रह गए उसको कंप्लीट करेंगे. इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में मेरा वाटर पॉल्यूशन हो गया था, अब हम लोग सॉइल पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में देखेंगे NCERT रिव्यू में. तो 7 बजे शाम में हम आपसे फिर से मिलते हैं, ठीक है गाइस. चलो, टेक केयर एंड बाय बाय.